विकासवाणी सुन रहे सभी श्रोताओं को आदेश जैन का प्यार भरा नमस्कार। जनसंघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से नक्सल प्रभावित व अति दुर्गम पिछड़ा क्षेत्र भामरागढ़ में स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में सतत अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। आइए जनसंघर्ष समिति के अध्यक्ष दत्ताजी शिर्के इनसे जानते हैं उनकी संस्था के कार्यों के बारे में। नमस्ते दत्ताजी। नमस्ते दत्ताजी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था इस क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है। हम गत 2012 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये अति दुर्गम ऐसा इलाका है और यहाँ हम विकास, शिक्षा और आरोग्य, ये तीन चीजों पे काम कर रहे हैं क्योंकि इसका ज्यादा महत्व इस एरिया में है। दत्ता जी, जैसे कि आपने बताया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो आपकी जो संस्था है शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के कार्य कर रही है? शिक्षा का मायने देखा जाए तो बहुत बड़ा काम शिक्षा का है क्योंकि ऐसा दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वहाँ पिछड़ापन बहुत है। दूर दूर तक जैसे स्कूल है पर स्कूल में बच्चे पढ़ने कम जाते हैं, तो इस क्षेत्र में काम करना चाहिए ऐसा हमारी समिति का कहना था और उस तरफ हमने काम करना चालू किया क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ते तो थे, स्कूल में जाते थे, तो कैसे कि जो लगने वाली सुविधा है, रजिस्टर है, लिखने के लिए पार्टी चाहिए थी, पेन चाहिए था, उनके लिए वो स्कूल में तो जाते थे पर उनके पास ड्रेस नहीं था स्कूल का, तो वो हमने देखा कि इनके पास स्कूल का ड्रेस नहीं है, स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं है, तो बच्चा स्कूल का है ऐसा मान नहीं सकते। स्कूल में जब जाता है बच्चा तो उसको यूनिफॉर्म दिया तो एक उसका अलग ही एक माहौल होता है कि वो स्कूल का ड्रेस पहन के है फिर पढ़ता है, पर वो स्कूल जाने के बाद उसके पास कॉपी नहीं है, वो जो शिक्षा की जो जो चीजें है वो उनके पास नहीं है, तो वो देने का कार्य हमारे समिति के माध्यम से हमने किया। और ऐसे बहुत सारे जो गांव है इंटरियल में कि इनके पास कुछ भी नहीं है, यानी उनको ये सब चीजें ही पता नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चों को हमने कंपास देखा तो वो उनके पास नहीं, एक बार का ऐसा अनुभव है हमारा शिक्षा का, हमने वो बच्चों को सब चीजें दिया, यानी स्कूल का पहला दिन था हमने उस गाँव में अति दुर्गम गांव है वो, यहाँ वहाँ 70 साल के बाद अभी उनके पास लाइट आई थी उस गांव में जी, ऐसा क्षेत्र वहाँ के बच्चे पढ़ते थे, तो हमने वहाँ के बच्चों को बहुत सारा साहित्य दिया, तो साहित्य दिया ना तो वो अचंबा हो गए कि इतना सारा सब होता है, वो देखा और उनको इतनी खुशी हुई कि पूछो मत, और वो खुशी देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो इनको सही मायने में हमने जिनको सही जरूरत है ऐसे बच्चों तक हम पहुंचे और उनको शिक्षा वो कर सके, शिक्षा में आगे बढ़ सके, ऐसा अपन अपना प्रयास जो है वो प्रयास करने का प्रयत्न हमने उस माध्यम से किया। जी दत्ता जी, संस्था आपकी वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है? स्वास्थ्य केंद्र में कैसे कि हमारी समिति में बहुत सारे हमसे जुड़े हुए हमारे समिति के सदस्य है, तो वो डॉक्टर्स लोग नागपुर में भी अपना काम करते थे और उधर भी जो समय उनके पास रहता था, जो छुट्टी का रहता था, हमारे यहाँ ऐसे कुछ डॉक्टर थे कि वो छुट्टी जहाँ नागपुर में जॉब करते थे पर छुट्टी नहीं लेते थे और वो जो समय है छुट्टी का वो वहाँ बिताते थे, और वहाँ सही मायने में देखा जाए तो आरोग्य स्वास्थ्य की जो समस्या है बहुत बड़ी है कि दुर्गम क्षेत्र होने से कारण वहाँ कोई ऐसी सरकार की सुविधाएं कम है, और जो भी है तो उसमें जो सुविधा चाहिए वो नहीं है जी। और वो लोग कैसे है कि अंधश्रद्धालु है तो वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचते, तो हमने इस अपने माध्यम से उन तक पहुंचे, उनके गांव तक गए, ऐसे ऐसे गांव है जहाँ जाने के लिए नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है, जंगलों में से जाना पड़ता है, कई कई जगह पैदल जाना पड़ता है, वहाँ गाड़ी भी नहीं जाती जी। तो ऐसे क्षेत्र में वहाँ वहाँ हमारी टीम लेके उन लोगों को एक शिविर के माध्यम से नहीं तो घर घर जाके उनको स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया, उनको चेक किया, उनको दवाई दी, तो उनको अच्छा लगा कि उनको ऐसा लगा कि कोई अपने यहाँ आ रहा है और अपने को चेक तो कर रहा है जी, अपना जो स्वास्थ्य उसके बारे में पूछ रहा है, उसके बाद उसको दवाई भी मिल रही है और उसका राहत भी मिलता था क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसे हम जाते थे तो लोग अपने आप ही हमारे पास आते थे, इतने हमें आराम हो गया, अच्छा है, डॉक्टर्स हमारे डॉक्टर्स लोगों को बोलते थे कि हाँ हाँ आप बहुत अच्छे डॉक्टर्स है, हमें बहुत अच्छा लगता था। और हमने ऐसे क्षेत्र देखे कि जहाँ लोग तो जाते ही नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं, डॉक्टर तो बोलते का नाम, ऐसे दुर्गम क्षेत्र के जो जो गांव है इंटरियल में जी, तो ऐसे गांव में जाके हमने हमारे डॉक्टर्स लोगों के माध्यम से उनको सुविधा देने का काम हमने किया जी। दत्ता जी, जैसा कि अभी कोरोना काल था, बीच में कोरोना काल में आपकी संस्था ने ऐसे स्थानों पर
क्या विशेष कार्य किए हैं? हमने सबसे पहले जिस दिन पहला जो लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को, उसी दिन से हमने कार्यक्रम शुरू किए थे। हमने बैनर्स बनाए, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में हमने बैनर्स लगाए, लोगों को इस कोरोना के बारे में अवगत किया, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था कि कोरोना क्या चीज है जी। तो कोरोना के बारे में उनको जानकारी दी कि इस तरह का जो है, आपको सर्दी बुखार खांसी अगर आती है वो ज्यादा दिन रहती है तो आपने तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए, वहां के डॉक्टर्स को बताना चाहिए, जबकि आपने घर में नहीं रुकना है जी। और ऐसे पेशेंट वहां जाना चाहिए, उनको इस बारे में उनको बताया। अच्छा। तो वो भी थोड़ा सा वो ही हो गए, क्योंकि ऐसे है कि दूरदराज जो गांव खेड़ों में होता है तो सर्दी खांसी बुखार ये आम मामला होता है जी। तो उनके मन में वो डर भी था, तो डर भी निकालने का कार्य हमने उस माध्यम से किया। यानी 22 मार्च को जो पहला था तो हमारा तो इतना भयंकर अनुभव था जी कि मैं और मेरी मेरे साथ हमारी जो सहकारी डॉक्टर श्रुति करके थी जी। तो हम दोनों वहां से जा रहे थे, गांव हम गए, यहाँ से हम भामरागढ़ से दूरदराज के गांव होते हुए हम छत्तीसगढ़ तक पहुंचे। अच्छा। नदी क्रॉस करके और वापस जब आ रहे थे तो हमें बहुत भयंकर एक हमारे साथ एक घटना हुई। घटना ऐसी थी, उस क्षेत्र में नक्सल है, आपको पता है सभी को, नक्सल क्षेत्र होने के कारण हम गाड़ी से जा रहे थे तो हमारे सामने दो लोग आए नक्सल और उन्हें हमें रोका और हमारी पूरी पूछताछ की, हमें पूछा और हमने पट के साथ बताया कि हमारे साथ डॉक्टर से, हमारे पास दवाई भी थी, हम लोग दवाई लेके भी चलते हैं हमारे साथ, तो उनको बताया। तो उन्होंने डॉक्टर से संवाद किया, डॉक्टर से पूछताछ की और डॉक्टर को बोला कि आप कहाँ गए थे, क्या गए थे, कौन सी दवाई आप बांट रहे, सब चीजें पूछने के बाद उनको जब तसल्ली हुई कि नहीं ये सही में डॉक्टर से और ये अच्छा काम कर रहे हैं तो तब हमें छोड़ दिया गया। यानी उनके साथ हमारा जो लगभग कन्वर्सेशन जो था एक 5 से 7 मिनट का था जी जी। तो पर 5 से 7 मिनट में हमारे साथ नक्सल का सामना होने से, यानी इस तरह से बहुत हुआ जी। बाद में हम शिक्षा के स्वास्थ्य के बारे में ऐसा हुआ कि हमने गांव-गांव में आर्सेनिक एल्बम करके जो दवाई थी प्रिवेंटिव जो थी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली, वो बहुत सारे जगह हमने ऐसे कैंप भी लगाए कि जिनसे लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा था कि डॉक्टर्स लोग हाथ नहीं लगाते थे, पर हमारे डॉक्टर्स इतने अच्छे थे, वो पेशेंट के पास जाते थे, सबको चेक करते थे, उनका बीपी शुगर और उनको दवाई भी देते थे और उनको बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बड़ी बीमारी कोरोना नहीं है, आप डरिए मत, आप डरने से ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इस तरह का कार्य एक कोरोना काल में हमने किया। हमने पूरे जितने भी गढ़चुरी के जितने भी तहसील है सभी तहसील में गए हम, यानी सिरोंचा तक, भामरागढ़, एटापल्ली, गढ़चिरौली, सभी क्षेत्र में हमने दवाई का काम बांटने का और शिविर का काम। दत्ता जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा विकास के और कौन से कार्य आप ऐसे स्थानों पर कर रहे हैं? विकास के बारे में ऐसा है कि वहाँ पूर आता है, पूर्वग्रस्त भी आता है क्योंकि बहुत सारी नदियां है जी। तो विकास का काम कैसे है कि बहुत सारे लोगों का मकान जैसे पानी जैसे ढह जाते तो उनको मदद करना, उनके मकान खड़े करने में मदद करना जी। दूसरा ऐसा है कि वहाँ बहुत सारे जगह रोड्स नहीं है तो हम हमारे माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाते हैं कि यहाँ रोड्स की जरूरी है जी। तो फिर वो वहाँ बहुत सारे रोड्स भी अभी हुए जी। और पिछले काल में हमने वहाँ एक नदी पे पुलिया नहीं था तो हमने हमारे खुद के पैसे से, यानी खुद लोगों से चंदा जमा करके खुद के पैसे और खुद परिश्रम करके हमने एक पुल भी बना के दिया था जिससे लोगों को आसानी हो गई। जो 4 महीने बंद रहता था आना जाना वो अभी खुल गया, लोग उसके ऊपर से जाते हैं, उनके 4 महीने जो बरसात की वजह से आना जाना नहीं होता था अभी वो हो रहे। तो इस तरह के जो विकास के जो कार्य है कि जहाँ कुछ नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो हम सरकार को उस माध्यम से बोलते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। अभी फिलहाल ही हमने कोरोना काल में वहाँ ऑक्सीजन मशीन नहीं थी तो हमने सरकार को बोला पर सरकार ने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, दुर्गम क्षेत्र होने के कारण, तो हमने नागपुर से कुछ लोगों से मंगा और वहां जाके हमने कॉन्सेंट्रेशन मशीन, बायोपैक मशीन, इस तरह की स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो वहां उनको अवेलेबल करके दी। तो इस तरह से एक विकास का कार्य हमारे माध्यम से हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि वहां की विविध समस्याओं के बारे में आप अवगत कराते हैं सरकार को, तो सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिलती है? सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद अभी तक हमें तो नहीं मिली है क्योंकि जो भी काम है हमने हमारे पैसे से और हमारे जो सदस्य है उनके पैसे से और हमारे साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो अच्छा कार्य देख के हमें मदद करते हैं तो उनके माध्यम से ही ये काम हुआ है। अच्छा। और जैसे कि हम देखते हैं कि पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण भाषा में काफी अलग रहती है वहां की भाषा, तो क्या आपको कार्य करते समय
भाषा के कारण कोई तकलीफ आती होती है? हाँ, भाषा के कारण बड़ी तकलीफ आती है। एक तो कैसा है कि वहां अपन दूर दराज के गांव में जब जाते हैं जंगलों में, तो वो आदमी देख के भाग जाते हैं। कुछ लोग तो भागते हैं, आज भी भागते जी हैं, जी फिर उनको बुलाना पड़ता है। और भाषा उनकी माड़िया है, जी माड़िया भाषा में वो बात करते हैं, तो जी उनको अपनी मराठी या हिंदी वो भाषा समझ में नहीं आती। कुछ कुछ लोगों को आती है, पर ऐसे टाइम में थोड़ा सा वो जो हमें भाषा के बारे में थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर जहाँ ऐसा कोई आदमी देखते हैं हम लोग कि उसको मराठी भी समझती है और माड़िया भी आती है, जी फिर उसको बता के उसका कन्वर्शन करके फिर उसको समझाया जाता है। अच्छा क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो उसको पूछा जाता है कि आपको क्या हुआ है, तो उसको जी पता ही नहीं चलता कि बुखार हुआ है, तो वो कैसे बताए। तो जब बताया तो हमको समझ में नहीं आता। तो ऐसे टाइम में हम हमारे साथ एक आधा ऐसा जिसको वो लैंग्वेज आती है तो जी उसको पूछ के वो बता के फिर इस तरह से होता है। तो ये भाषा के कारण दिक्कतें बहुत सारी आती। अभी कुछ कुछ जो है थोड़ी थोड़ी भाषा हमें इतने दिन से काम कर रहे थे थोड़ी समझ में आती, पर तो भी दिक्कतें बहुत सारी है। जी तो दत्ता जी, आपकी जो संस्था है जन संघर्ष समिति, यह पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में अति दुर्गम स्थान पे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, और आपके यह कार्य समाज के लिए उपयोगी है। और आज आपने आकाशवाणी के माध्यम से अपने कार्यों से हमें अवगत कराया, इसके लिए आकाशवाणी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद दत्ता जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। हमारी जो कार्य है, आपने अपने आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। धन्यवाद।